लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बीवी न्यूज पर। दोस्तों अभी अभी एक बड़ी खबर आ रही है SBI बैंक की तरफ से। SBI की चेकबुक हो जाएगी बेकार। 12 दिसंबर से बंद होगी स्टेट बैंक की एक और सर्विस। जी हाँ दोस्तों, देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI के ग्राहकों के लिए एक और महत्वपूर्ण खबर है। 12 दिसंबर से SBI एक और सर्विस बंद करने जा रहा है। अगर आपका अकाउंट SBI में है तो ये खबर है आपके लिए जरूरी। दरअसल SBI लगातार अपने बैंकिंग सिस्टम में बदलाव कर रहा है। यही वजह है कि पिछले दिनों में SBI ने अपनी कई सेवाएं बंद कर दी है। अब 12 दिसंबर से SBI की पुरानी चेकबुक बेकार हो जाएगी। इनके बदले में नई चेकबुक जारी की जा रही है। अगर आप भी चेक से लेन करते हैं तो 12 दिसंबर से पहले इसे बदलवा ले। दरअसल RBI के निर्देश के अनुसार बैंक अगले साल यानी 1 जनवरी 2019 से non-CTS चेक को क्लियर नहीं करेंगे। SBI ने अपने ग्राहकों के लिए इसकी डेडलाइन 12 दिसंबर 2018 रखी है। SBI ने चेकबुक सरेंडर करने और नई चेकबुक जारी करने के लिए ग्राहकों को मैसेज भेजना भी शुरू कर दिया है। बैंक के भेजे गए एक SMS के मुताबिक non-CTS चेक अगले महीने में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। 12 दिसंबर के बाद केवल CTS चेक ही क्लियर होंगे। वहीं दूसरे सरकारी और निजी बैंकों में यह नियम 1 जनवरी 2019 से लागू होना है। RBI ने करीब 3 महीने पहले बैंकों को निर्देश दिया था कि 1 जनवरी 2019 से non-CTS चेक बुक का प्रयोग पूरी तरह से बंद करें। RBI के निर्देश का पालन करते हुए बैंकों ने अपने ग्राहकों से non-CTS चेक बुक बदलवाने का अनुरोध किया है। बैंक non-CTS चेक को लेना पूरी तरह से बंद करने जा रहा है। ग्राहकों को अपनी पुरानी चेक बुक सरेंडर करके नई चेक बुक लेनी होगी। CTS चेक ट्रांजेक्शन सिस्टम, इस सिस्टम के तहत चेक की इलेक्ट्रॉनिक इमेज कैप्चर हो जाती है और फिजिकल चेक को क्लियरेंस के लिए एक बैंक से दूसरे बैंक में भेजने की आवश्यकता नहीं होती है। दरअसल CTS चेक को भुनाने का काम जल्दी होता है। इस व्यवस्था में चेक के क्लियरेंस के लिए एक बैंक से दूसरे बैंक में ले जाने की जरूरत नहीं होती है। इससे ग्राहकों को बेहतर सुविधा भी मुहैया कराई जा सकती है। पंजाब नेशनल बैंक ने भी अपने ग्राहकों से non-CTS चेक बुक को वापस करके उसकी जगह नई चेक बुक लेने को कहा है। बैंक जनवरी से non-CTS चेक स्वीकार नहीं करेगा। PNB ने अधिसूचना जारी कर कहा है कि non-CTS सुविधा का चेक 1 जनवरी 2019 से क्लियरेंस के लिए नहीं लिया जाएगा। आपको बता दे, non-CTS चेक को कंप्यूटर रीड नहीं कर पाता है, इसीलिए उन्हें फिजिकली एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच भेजा जाता है। इसी कारण चेक को ड्रॉप बॉक्स में लगाने के बाद इसकी क्लियरेंस में ज्यादा समय लगता है। साथ ही बैंकों में इस व्यवस्था में ज्यादा खर्च करना पड़ता है। चेक को फिजिकली भेजने की झंझट खत्म होने से खर्च में भी कमी आएगी। RBI बैंकों को पहले ही यह निर्देश दे चुका है कि वे केवल CTS 2010 स्टैंडर्ड चेक वाली चेकबुक ही इशू करें। दोस्तों इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। आपको हमारी न्यूज कैसी लगी हमें वीडियो के कमेंट में जरूर बताएं। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर शेयर जरूर करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको मिल सके हमारे हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले। धन्यवाद।